जबलपुर पुलिस ने सट्टे की दो बड़े अड्डों पर छापा मारकर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पिता पुत्र सहित पांच आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर का पुराना सट्टेबाज पवन जैन उर्फ चीना अपने बेटे पर्व जैन और अन्य साथियों के साथ भेड़ाघाट स्थित फार्म हाउस और कोतवाली थाना अंतर्गत स्थित घर में ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। यह सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पवन जैन के दोनों अड्डों पर छापा मारा और एक लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन, दो मोबाइल फोन रिकॉर्डर मशीन, एक बॉक्स मशीन, लगभग 35,000 रुपए नगद और एक डायरी बरामद की है, जिसमें लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब दर्ज है। छापे की कार्यवाही के दौरान सट्टेबाज पवन जैन और उसका बेटा पर्व मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि पवन जैन शहर के सबसे बड़े सट्टे के अड्डों का संचालक है। इसके शहर में सट्टे के कई अवैध अड्डे बने हुए हैं, जहां पर रोज लाखों रुपए के दांव लगाए जाते हैं। जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि इस संबंध में जांच की जा रही है और जल्द ही कुछ नए खुलासे भी होंगे। जबलपुर पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें कल थाना भेड़ाघाट और थाना कोतवाली क्षेत्र में पवन जैन उर्फ चीनी करके एक पुराने असम अपराधी हैं, जिन्होंने इनके पहले सट्टे के भी अपराध हैं। इनका अवैध सट्टा इनके फार्म हाउस पे और इनके घर स्थित वहाँ पे चल रहा था, जिसमें कोतवाली और भेड़ाघाट क्षेत्रों में अलग अलग दबिश दे करके इसमें सट्टे की कार्रवाई पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके की गई है। इसमें एक जिनका भेड़ाघाट से जो कार्रवाई है उसमें 38,000 करीब नकद राशि भी वहां से मिली है, नोट गिनने की मशीन। व जो दूसरी जगह जो कार्रवाई हुई कोतवाली क्षेत्र में, वहां पे 19 मोबाइल, कैलकुलेटर एवं अन्य सामान जो वहां से बरामद हुआ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।